ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है? इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम. ओके, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम मीन्स इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 कंपनी एक्ट 2030. ओके, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम शेयर हैव बीन इश्यूड एट अ वैल्यू दैट द मोर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर. इश्यू प्राइस इज द मोर देन द नॉमिनल वैल्यू इज कॉल्ड इश्यू शेयर एट प्रीमियम. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि वन शेयर की प्राइस जो दिया हुआ है वो कितने का? 10 का. कंपनी ने उसे इशू किया हुआ है कितने में? 15 रुपीज. यानी जो एक्स्ट्रा जो 5 रुपीज यहाँ पे आ रही है वो क्या हो गया? वो प्रीमियम हो गया. यानी इसकी फेस वैल्यू कितने की है? फेस वैल्यू कितने का है? फेस वैल्यू कितने की आ रही है कंपनी की? कितने का हुआ? 10 रुपीज का. लेकिन कंपनी ने उसे इशू कितने में कर रही है? इशू प्राइस कितने का है? इशू प्राइस कितने का है? 15 रुपीज. तो 5 रुपीज जो एक्स्ट्रा हो गया, इसे हम उन्होंने क्या कहा? प्रीमियम. ओके, इशू प्राइस फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा मोर देन फेस वैल्यू दैट्स कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम. ओके, अब यहां पे आते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 2013. द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 रिक्वायर दैट द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम रिसीव ऑन सिक्योरिटीज शैल बी क्रिएटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. सिक्योरिटीज प्रीमियम इज कैपिटल रिसीव्स. यानी कोई भी कंपनी की जो कंपनी एक्ट 2013 के बेसिस पे क्या कहा गया है? सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 के बेसिस पे जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट रिसीव होती है उसे सिक्योरिटीज शैल बी क्रेडिटेड, उसे क्रेडिट किया जाता है किस पे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में. ओके, और ये किस टाइप की रिसीव होती है? ये कैपिटल रिसीव है. ओके, अब होता है कि कंपनी जब यूटिलाइज करती है किसका? यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है, कैपिटल रिसीव की अमाउंट जो आ रही है, उसको कंपनी किस हिसाब से यूटिलाइज कर सकती है? कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के बेसिस पे क्या कहा गया है? सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ अमाउंट रिसीव एज प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी फॉर द फॉलोइंग पर्पज. यानी जो प्रीमियम की अमाउंट जो मिल रही है उसका स्टिक किया हुआ है कि किस किस चीजों में केवल इसका यूज किया जा सकता है. फर्स्ट, इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर टू द मेंबर. यानी कंपनी उसका यूज किस में कर सकती है? कि इशू ऑफ बोनस शेयर किसको? अपने मेंबरों को. ओके, फर्स्ट. सेकेंड क्या है? रिटर्न ऑफ प्रीमियरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. यानी जो प्रीमियरी एक्सपेंसेस, यानी स्टार्टिंग में जो कंपनी के जो इशू करते समय जो भी स्टार्टिंग एक्सपेंसेस होती है उसको राइट ऑफ करने के लिए कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकती है. थर्ड, रिटर्न ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड एनी इशू ऑफ सिक्योरिटी और डिवेंचर ऑफ द कंपनी. यानी कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइज कहाँ कहाँ पे कर सकती है? एक्सपेंसेस के लिए कमीशन पेड कर रही है या डिस्काउंट पे कर रही है, अदरवाइज अदर कोई कंपनी इशू की है सिक्योरिटी या डिवेंचर पे, तब की कंडीशन में कंपनी उसको राइट ऑफ करने के लिए किसका यूज कर सकती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का. एंड फोर्थ, प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ द एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एनी डिवेंचर ऑफ द कंपनी. यानी इक्विटी शेयर जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट का यूटिलाइजेशन कर सकती है किसमें? कंपनी जब भी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करती है, रिडीम करते हैं तब जब उसका पेमेंट कर रही है तब की कंडीशन में, या डिवेंचर को जब प्रीमियम और रिडम्पशन करती है तब की कंडीशन में उसका यूज कर सकती है. एंड फिफ्थ, इट परचेसिंग इट्स ओन शेयर बाई बैक. ये अपने ही शेयर को जब बाई बैक से परचेस करती है तब ये कंडीशन में यूटिलाइज कर सकती है किसको? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को. ये था हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम पे कि कंपनी कितना सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकती है. किसके आधार पर था? कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के बेसिस पे.
ओके यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कंपनी जो अगर प्रीमियम की एंट्रियां कैसे होती हैं, अगर एप्लीकेशन में हुआ, अगर अलॉटमेंट में हो रही है, अगर फर्स्ट कॉल में हो रही है, तो कौन कौन सी एंट्रियां करती है। इनकी एंट्रियां सेम टू सेम पहले की तरह ही हैं, एट पार में, लेकिन क्या चेंजेज आएंगी वो देखते हैं। ओके